कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 56 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह का नाम भी शामिल है। मानवेंद्र सिंह की बाड़मेर जिले के सिवाना विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिला है। मानवेंद्र सिंह जसोल ने 2018 में बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा था। बाड़मेर जैसलमेर से सांसद रह चुके मानवेंद्र सिंह शिव विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं। वर्तमान में गहलोत सरकार ने उन्हें सैनिक कल्याण सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया हुआ है। 2018 में कांग्रेस ने मानवेंद्र सिंह को झालरा पाटन सीट पर वसुंधरा राजे के सामने चुनाव लड़ाया था। इस बार मानवेंद्र को पार्टी ने बाड़मेर जिले की सिवाना विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी के दिग्गज नेता रहे जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र को पिछले दो चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में मानवेंद्र पूर्व बीजेपी सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ झालरा पाटन में कांग्रेस के उम्मीदवार थे। झालरा पाटन मानवेंद्र के प्रभाव क्षेत्र से काफी दूर था, इसलिए उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। फिर कांग्रेस ने उन्हें 2019 का लोकसभा चुनाव बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से लड़ाया, लेकिन उन्हें बीजेपी के कैलाश चौधरी ने हरा दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में जैसलमेर और शिव ये दो ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जहां मानवेंद्र सिंह को बढ़त मिली थी। जैसलमेर जिले की राजनीति तीन समुदायों मेघवाल, राजपूत और सिंधी मुस्लिम के आसपास केंद्रित है। पड़ोसी जिले बाड़मेर की तुलना में यहां जाटों की संख्या कम है। 2014 के चुनाव में जब जसवंत सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तब सिंधी मुसलमानों ने उनका भरपूर समर्थन किया था। इसी वोट बैंक के चलते मानवेंद्र सिंह जैसलमेर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जैसलमेर के बजाय सिवाना से टिकट मिला है। बता दें कि कांग्रेस 200 में से अब तक 151 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इसमें 77 विधायक शामिल हैं, जबकि करीब 30 नए चेहरे शामिल हैं। वहीं 9 निर्दलीय और बसपा से आए 4 विधायकों को भी सियासी संकट में साथ देने की एवज में टिकट दिया गया है। कांग्रेस की चौथी सूची में 7 महिला और 4 मुस्लिम चेहरे भी शामिल हैं।